नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलम साठे बोल रही हूँ। मैं ईएनटी सर्जन हूँ और केएम हॉस्पिटल और वुकॉर्ड हॉस्पिटल में मैं कार्यरत हूँ। आज का हमारा विषय है चक्कर या डिडीनेस। डिडीनेस के तरीके अलग अलग होते हैं, जैसे कि वर्टिगो, डिडीनेस और इम्बैलेंस। ये तीनों चीजों के कारण अलग अलग होते हैं। जैसे कि डिडीनेस या सामान्य चक्कर जिसे कहते हैं, वो जो चक्कर है वो कई कारणों की वजह से होते हैं, जैसे कि अनीमिया हो, आप में खून की कमी हो, या फिर आपको डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, ऐसे बीमारियों में आपको ये डिडीनेस हो सकती है। वर्टिगो जो बीमारी है वो आपको बेसिकली जो साधारण हम जो कारण देखते हैं वो आपके अंदर के कारण या लैबरिंथ में कुछ प्रॉब्लम हो उसके वजह से हो सकता है। तो वर्टिगो में ऐसा लगता है आपको कि सारा गोल गोल घूम रहा है, तो आपका इनर ईयर में जब प्रॉब्लम होता है तो वर्टिगो होता है। आजकल के दौर में जो बहुत सामान्य जो इसका कारण देखा जाता है वो होता है बार बार कंप्यूटर और सेलफोन पे एक पोजिशन में बैठना, जिसके कारण हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है पीछे की, उसका जो ब्लड सप्लाई होता है या जो खून की सप्लाई होती है वो कम हो जाती है हमारे ब्रेन को और हमारे अंदर के कान को। तो इस वजह से हमें चक्कर आती है, जिसको कहते हैं सर्वाइकल वर्टिगो। तीसरी चीज होती है कि अगर आपके कान के अंदर या आपको जो कान की नस सप्लाई करते हैं उसमें अगर कोई ट्यूमर हो तो उसके कारण आपको बेसिकली ये इम्बैलेंस होता है और वर्टिगो, ये दोनों चीजें हो सकती हैं। तो हर चीज का कारण अलग होता है और हर चीज का इलाज भी अलग अलग होता है। तो हमें सतर्क रहना चाहिए कि हमें एग्जैक्टली किस कारण ये हो रहा है और हमें तुरंत ईएनटी सर्जन, न्यूरो सर्जन या न्यूरोलॉजी के डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करना चाहिए और उस हिसाब से हमें तुरंत इसका इलाज लेना चाहिए। इसके कई रीजन है, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और अगर थायराइड की वजह से आपको हो रहा है तो उसको आपको वो बैलेंस में रखना है। ट्यूमर में हमें सुनने की नस का, तो उसकी सर्जरी कई बार करनी पड़ती है। अंदर के कान में अगर आपको प्रॉब्लम है तो फिजियोथेरेपी लेना, और जैसे स्पाइन का प्रॉब्लम है तो आपको फिजियोथेरेपी लेनी पड़ सकती है। खून की कमी है तो उस हिसाब से आपको दवाई लेनी पड़ती है। तो सारे चक्कर एक जैसे नहीं होते, हर चक्कर का कारण अलग होता है और हर चक्कर का इलाज भी अलग होता है। तो सतर्क रहिए और तुरंत अपने डॉक्टर को कॉन्टेक्ट कीजिए और तुरंत इलाज लीजिए। नमस्ते।